वही रूल है मेजॉरिटी, सही, तो वहाँ हेल्प आउट करेंगे। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डेप्रिशिएबल एसेट अगर हमारे पास हो तो वो डेप्रिशिएबल एसेट की रिवैल्यूएशन कैसे होती है, एंट्रीज वगैरह कैसे पास होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसेट था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 800,000 और उसको हम डेप्रिशिएट कर रहे थे, उसकी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की हुई थी 1,50,000 फॉर 2 और 3 ईयर्स वॉट एवर जो भी है। तो उसकी बुक वैल्यू हमारे पास बैलेंस शीट में थी 650,000 और हमने डिसाइड किया कि हमें कॉस्ट मॉडल से जंप करके रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाना चाहिए, और एज अ रिजल्ट हमने मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई की, तो डिफरेंस जो आ गया वो 40,000 का इंक्रीज आ गया। उसको हम क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस अब इस रिवैल्यूएशन सरप्लस को जब मैं बुक करने जाऊंगा तो मुझे ये पता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता। तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए, फोर्टी थाउजेंड से, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस तो क्रेडिट ठीक है, 40,000 ठीक है, सही है। और और डेबिट कॉस्ट करेंगे एसेट को डेबिट करेंगे 40,000 से। अच्छा, एसेट जो है मेरे पास वो 800,000 का रिकॉर्ड हुआ हुआ है और अब उसकी मार्केट वैल्यू 690 की हो गई है, तो एसेट के अकाउंट में वैल्यू 800,000 पे रखी हुई और वैल्यू 690 पे आई है। तो यहाँ पर ना सबसे पहला काम हम पता क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे इलिमिनेट प्रीवियस डेप्रिसिएशन जी। ताकि एसेट अपनी बुक वैल्यू पर आ जाए, सही है। उसके बाद रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन, उसके बाद रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर रिकॉर्ड एसेट वैल्यू, इस सीक्वेंस में एंट्री बनाओगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके हिसाब से अगर मैं एंट्री पास करूं तो डेप्रिसिएशन कितना है, 1,50,000, सही है। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, तो 1,50,000 से मैंने इसको डेबिट कर दिया, खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर दिया ओसीआई में 40,000 से, डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 110,000। हेलो, 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 तो ये एंट्री समझ में आई तुम्हें, ये अक्यूमुलेट डेबिट कर दिया एसेट 1,10,000 ये एसेट जो है ना, और मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली है बैलेंसिंग फिगर और ये ठीक है। बैलेंसिंग फिगर एज इट इज, ये इन दोनों का डिफरेंस है, हाँ सही है। सही है सही। अच्छा, बाकी जो रूल है, बाकी जो रूल है कि पहली मर्तबा रिवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगर कोई डेफिसिट आया नेक्स्ट टाइम तो हम क्या करेंगे, अगर अगले साल इसी एक्सरसाइज में रिवैल्यूएशन डेफिसिट आ जाता है 20,000 का, तो वो रिवैल्यूएशन डेफिसिट पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस से ऑफसेट ऑफसेट होगा, करेंगे सही है। और उसके बाद एक्सेस डेफिसिट बचेगा, तो वो एक्सेस डेफिसिट कहाँ जाएगा, एक्सेस डेफिसिट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, जी सही है। जी अच्छा, ये जो रीवैल्यूएशन है ये अभी अनरियलाइज्ड है ना, ये रियलाइज्ड कब होगा,
जब पैसे आएंगे इसके बदले में। नॉर्मली तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल है वो क्या है, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट, जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में रखा हुआ होगा, रिजर्व में रखा हुआ होगा, उसको उठाकर डेबिट कर देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे रिटेन अर्निंग के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मना है। ठीक है, अब उसमें अगर हम डिस्पोजल के टाइम पे करते हैं तो उसमें होगा क्या, डिस्पोजल में भी 5 साल बाद हो, में भी 10 साल बाद हो, तो हमारा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो 10 साल तक या 5 साल तक अनरियलाइज ही रहेगा, उसको हम यूज नहीं कर सकते। अनरियलाइज का मतलब है कि वो रिजर्व जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व नहीं होगा जी। सही है, तो इसमें एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप उसे हर साल रियलाइज करें। अच्छा, कैसे रियलाइज करें, रियलाइज ईच ईयर थ्रू एक्सेस डेप्रिसिएशन। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ था, एसेट की वैल्यू कम होगी ऑब्वियसली, हम आइडेंटिफाई करेंगे हम एसेट को पर एनम कितना डेप्रिशिएट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था पर एनम, सही है जी। अच्छा, जब हमने रीवैल्यू किया और आफ्टर रीवैल्यूएशन एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो अब नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन इंक्रीजिंग वैल्यू पर होगा, तो हमारा डेप्रिसिएशन पर एनम बढ़ गया और वो 120,000 पर आ गया। तो ये जो 20,000 का एक्सेस डेप्रिसिएशन अब हर साल चार्ज हो रहा है, इस एक्सेस डेप्रिसिएशन ने हमने हमारे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट डाला होगा, कम कर दिया होगा हमारे प्रॉफिट को, सही है। तो हम क्या करेंगे, इतना ही रिवैल्यूएशन सरप्लस आउट ऑफ टोटल, इतना अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में से निकालेंगे और उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे हर साल। ये मैनेजमेंट की चॉइस है, अगर मैनेजमेंट ऐसा करना चाहती है तो मैनेजमेंट हर साल एक्सेस डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रियलाइज कर ले, पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिमेनिंग जो रिवैल्यूएशन बच जाएगा वो रिजर्व में ही रहेगा। सही जी। अच्छा जी, अब एक और इशू है, वो है एसेट खरीदने के बाद उस एसेट के ऊपर फर्दर अगर खर्चा किया जाए, एक्सपेंडिचर किया जाए, तो क्या वो बैलेंस शीट में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा, सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। इसी एग्जांपल ऐसी है कि गाड़ी खरीदी तो कॉस्ट में जाएगा। हाँ, गाड़ी खरीदी, गाड़ी के ऊपर फर्दर एक्सपेंडिचर किया, घर बनवाया, घर पर फर्दर एक्सपेंडिचर किया, तो आप सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर में दो एलिमेंट है, या तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बैलेंस शीट में ले जाएंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे, ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और एसेट की कॉस्ट में प्लस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस आउट हो जाएगा। जी, ये पता कैसे चलेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो इसकी डेफिनेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अगर फर्दर एक्सपेंडिचर, सही है, अगर फर्दर एक्सपेंडिचर से एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी का मतलब है कि पीआईए ने अपने जहाज में सीट्स चेंज करवा दी, क्या उसका बेनिफिट बढ़ेगा? नहीं, अगर उसमें लोगों की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो होगा, वरना नहीं होगा। हो जाएगा ना, नई सीट्स लगाएंगे, कंफर्ट बढ़ेगी, टिकट की प्राइस बढ़ा देंगे। अच्छा, ऐसे। तो बाज दफा क्या होता है कि रेवेन्यू बढ़ता है, अर्निंग कैपेसिटी का मतलब है, बाज दफा कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। हाँ, सही। बाज दफा लाइफ बढ़ जाती है जी। तो ये सब
हम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के फैक्टर कंसिडर करेंगे, और अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती फर्दर एक्सपेंडिचर करने से और आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है तो फिर हम उसको कहेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, जैसे रूटीन मेंटेनेंस। गाड़ी के ऊपर एसेट्स के ऊपर जो रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं वो एक्सपेंस होता है, सही है जी। इसके अंदर एक चीज होती है ओवरहॉलिंग कॉस्ट, उसका ट्रीटमेंट अलग है। ओवरहॉलिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है, एक्सपेंस में नहीं डाला जाता। ओवरहॉलिंग भी मेंटेनेंस होता है, ओवरहॉलिंग भी मेंटेनेंस को कहते हैं। अच्छा, लेकिन ओवरहॉलिंग एक मेजर मेंटेनेंस एक्सरसाइज होती है कि आपको हर 5 साल के बाद अपना इंजन चेंज करना है, उसकी मेंटेनेंस करवानी है, तो उस ओवरहॉलिंग से इकोनॉमिक बेनिफिट हमेशा बढ़ते ही है, इसलिए उसको कैपिटलाइज किया जाता है। अच्छा, ओवरहॉलिंग की जितनी भी कॉस्ट होगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ओवरहॉलिंग पे $500,000 लगे तो ओवरहॉलिंग की कॉस्ट होगी वो सेपरेटली कैपिटलाइज होगी नेक्स्ट ओवरहॉलिंग पीरियड के ऊपर, यानी कि अगला ओवरहॉल कब होगा 5 साल के बाद, तो हम कहेंगे $1,00,000 पर एनम का ओवरहॉलिंग कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी। सही, इसको ऐसा नहीं करेंगे कि बाकी एसेट के अंदर कॉस्ट मिला तो देंगे, लेकिन एसेट जो बाकी होगा उसका डेप्रिसिएशन अलग होगा, इसका डेप्रिसिएशन अलग होगा। अच्छा, अलग अलग एंट्रियां, अलग अलग एंट्रीज एक साथ बना सकते हैं, कैलकुलेशन का प्रोसेस अलग अलग होगा, इसका अलग हेड होगा तो वो वहां से पता चलेगा। ऐसे अलग हेड भी ना बनाया जाए ना, नोट्स में डाल देंगे कि डेप्रिसिएशन के ब्रेकअप्स इतने। सही, कोई फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे अलग अलग हेड नहीं बनाए जा सकते, वहां एक सिंगल लाइन आइटम होता है डेप्रिसिएशन का। जी सही। अच्छा जी, उसके बाद अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो ना वो डेप्रिसिएशन और उससे रिलेटेड इश्यूज हैं बाकी। एक सेकेंड होल्ड करें, व्हाट्सएप चले। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के मेथड्स वगैरह मैंने बता दिए थे, रेट वगैरह वो सारी चीजें बता दी थी, ठीक है, एंट्रीज बता दी थी, ठीक है। अब होता क्या है कि बाज दफा हम अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेंज कर देते हैं, ये सब क्या है एस्टीमेट। बाज दफा हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज कर देते हैं। अब हमने 4 साल पहले एक एसेट खरीदा था, फॉर एग्जांपल एक एसेट हमने खरीदा था 1 जनवरी 2012 को और उसकी कॉस्ट थी 2 लाख और उसकी यूजफुल लाइफ हमने एस्टीमेट की थी 10 इयर्स होनी चाहिए। सही, 1 जनवरी 2014 को वी हैव रियलाइज दैट के यूजफुल लाइफ रिमेनिंग 10 इयर्स होनी चाहिए, हालांकि ओरिजिनल भी हमने 10 ईयर एज्यूम की थी, लेकिन अब तो 2 साल गुजर गए ना, 12 गुजर गया, 13 गुजर गया, रिमेनिंग ईयर्स कितने बचे, 8। लेकिन हम कह रहे नहीं 10 साल होनी चाहिए, तो ये कहलाएगा कि चेंज इन यूजफुल लाइफ इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब करें क्या, पिछला जो 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 12 और 13 में, उसका क्या करें, क्या करें, चेंज करें, नहीं वो न्यू इसी पीरियड से अब न्यू वैल्यू से डेप्रिशिएट करेंगे। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इज टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, सॉरी रेट्रो नहीं होता, रेट्रो तो पॉलिसी होती है, इज टू बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली,
जो तुम बोल रहे हो, फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स हमारे पास जो उस एसेट की बुक वैल्यू रखी हुई होगी ना, उस बुक वैल्यू को, मतलब अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, 2 साल का डेप्रिसिएशन होगा 40,000, और 40,000 तो बुक वैल्यू आ रही होगी 1,60,000। अब जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाऊँगा तो मैं पिछले डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दूँगा और 1,60,000 को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर स्प्रेड कर दूँगा, तो 16,000 डेप्रिसिएशन पर एनम अब से ऑनवर्ड चार्ज होगा। तो कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर चेंज हो जाए, मेथड भी इवन चेंज हो जाए कि हम 5 साल से स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे थे, अब से रिड्यूसिंग बैलेंस होगा, तो हम पिछली बुक वैल्यू को ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे और आगे से ऑनवर्ड्स प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है करंट ईयर से ऑनवर्ड्स नए अकाउंटिंग एस्टिमेट को अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इसको कहीं नोट्स वगैरह में दिखाएंगे कि ये मेथड अगर चेंज हुआ है, कोई चीज चेंज हुई है? हाँ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो, इसका एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 8, उसके अंदर इसके डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। डिस्क्लोजर, रीजन फॉर चेंज, सबसे बड़ा डिस्क्लोजर, क्यों चेंज किया भाई, मेथड क्यों चेंज किया, तो बताना पड़ेगा मेथड क्यों चेंज किया, वरना ऑडिटर अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, वो है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर हमने ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट उस एसेट को सेल कर दिया, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई गेन या लॉस आएगा जी। वो गेन और लॉस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, एसेट हमने खरीदा था 5,50,000 का, जिस पॉइंट पर हमने उसको बेचा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, उसके बाद माइनस करेंगे तो उसकी बुक वैल्यू आएगी। उस बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे किसके साथ, सेल प्रोसीड के साथ। अगर सेल प्रोसीड कम है तो लॉस आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रही है लॉस ऑन डिस्पोजल। गेन आएगा तो गेन आ सकता है, ये जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा ये हमेशा कहाँ चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही जी। तो हमें गेन और लॉस निकालने के लिए दो वैल्यूज चाहिए, और ओवरऑल एंट्रीज जो गेन और लॉस की होगी उसमें जो एसेट हम सेल कर देंगे वो एसेट के अकाउंट में रखा हुआ होगा, उसका डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के अकाउंट में रखा हुआ होगा। तो हमें 3 एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहली एंट्री हम पास करेंगे डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिस्पोजल के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ द एसेट से। फिर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे, सही है जी। उसके बाद उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो ये एसेट अपनी बुक वैल्यू पर आ गया। उसके बाद सेल प्रोसीड रिकॉर्ड करेंगे, कैश कितना कलेक्ट हुआ, 3,90,000, और डिस्पोजल अकाउंट। कम से कम ये 3 एंट्रीज बनेंगी, ठीक है। और इसकी बेसिस के ऊपर अगर हमारे पास एक डिस्पोजल अकाउंट बना हुआ हो, सो इट लुक लाइक दिस, कि उसमें पहली वैल्यू हमने डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट किया 550 से, फिर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ 110 से, फिर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ 390 से, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 50,000 आएगी ना, 3-4, तो वो 50,000 यहाँ आ रही है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सही है,
अच्छा नोट्स के अंदर ना हमारा एक नॉन करेंट एसेट का स्केजुअल बनता है, फिक्स एसेट स्केजुअल, ये नोट्स में डिस्क्लोजर में बनता है। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी टाइप्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, क्लास ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, वो यहाँ पर सही है इस तरह से दिखा देते हैं जितनी भी क्लासेस होंगे। अच्छा इसमें पहले कॉस्ट या वैल्यूएशन का डिस्क्लोजर देते हैं, उसके अंदर ब्रॉड डाउन कॉस्ट, सही है, अगर कोई एडिशन हुआ है तो वो यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं, अगर कोई डिस्पोजल हुआ है तो उस डिस्पोजल की कॉस्ट यहाँ से लेस कर देते हैं, अगर कोई रीवैल्यूएशन हुआ है तो जिस एसेट का रीवैल्यूएशन हुआ होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और ये हमारे पास उसका एंडिंग बैलेंस आ गया ब्रेकअप। इससे हमें ये पता लग जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो चेंजेस आई हैं एसेट की कॉस्ट के अंदर वो क्या क्या है। सिमिलरली फिर इसके नीचे हम इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रेकअप दे देते हैं और उसका ब्रॉड डाउन, सही है। अब डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अगर हमने कोई डिस्पोजल किया तो उसका अफेक्ट क्या होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर हमने कोई रीवैल्यूएशन किया तो रीवैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सही है, और ये काम की चीज है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल जो हमारे एसेट्स थे उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना लगाया, ये हमारे पास इसका कैरिड डाउन या एंडिंग बैलेंस आ गया डेप्रिसिएशन। ये आगे जाके एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर जब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है कि डेप्रिसिएशन कितना है, एसेट परचेज कितने के किए, सेल कितने के किए, तो अक्सर ये चार्ट दे दिया जाता है और इसमें से हम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। खास तौर पर ये वैल्यूज हमारे लिए बड़ी काम की होती है कि इस साल हमने कितने के एसेट्स बेचे और कितने के एसेट्स खरीदे, उसके बाद इसकी बुक वैल्यू एट स्टार्ट और इसकी बुक वैल्यू एट एंड। ये बुक वैल्यू कैसे निकली होगी, स्टार्ट कैसे निकली होगी, ऊपर का बीडी, इसका बीडी डिफरेंस, नीचे सीडी और नीचे सीडी का डिफरेंस, सही है। हेलो रिकग्निशन की बात की थी ना जी, तो हम बात करते हैं डी रिकग्निशन ऑफ एसेट्स। बैलेंस शीट से एसेट को रिमूव कब करेंगे, या तो उसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट, इसको बैलेंस शीट से रिमूव कर देंगे और डिस्पोजल का गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे, सही है, व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल, किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, सही है, तो उस वक्त उसका जो डिफरेंस बचेगा वो भी कहाँ जाएगा, अगर उसकी कोई बुक वैल्यू पड़ी हुई थी और एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तब वो बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और अगर इसको एसेट्स रिटन ऑफ, हाँ राइट ऑफ कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई टेम्पररी विड्रॉ किया हमने टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग यूज करना बंद कर दिया तो उससे हम डी रिकग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल है ना, लाइफ भी अवेलेबल है, परमानेंट विड्रॉ करेंगे तो फिर वो हम डी रिकग्निशन में काउंट कर सकते हैं, सही। तो ये हमारा IAS 16 का एक हो गया ओवरव्यू जी, सही है जी।